ज्योतिबा फूले या महान पुरुषों की बात करते हैं तो क्या है कि बहुजन समाज के जो महान पुरुष थे उनका इतिहास अधिकतर खत्म कर दिया गया है। आप जैसे लोग उनको फिर दोबारा से एक नई जान डालने का काम करते हैं, तो मैं चाहूंगा आप ज्योतिबा फूले कौन थे उनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ज्योतिबा फूले कौन थे, कहाँ से थे और उनका क्या हिस्ट्री थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। ज्योतिबा फूले साहब के बारे में जब चर्चा करते हैं तो विषय बहुत बड़ा गंभीर विषय है और उस पर चर्चा करने के लिए वक्त बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए उनके विषय में जानकारी अवश्य दूंगा। महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले यकीन जानिए एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने शिक्षा का महत्व इस शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज को समझाया। एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों के लिए स्कूलों की स्थापना की, सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से समाज को शिक्षा का महत्व समझाया, जिसके माध्यम से समाज को शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आए, जिसके माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ। ये वो क्रांति थी जिस क्रांति ने यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी आगे चल करके इसी परिपाटी का अनुसरण करने का मौका मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं महामना ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। एक बार की घटना बताता हूं कि जो महामना ज्योतिबा फूले थे इनके किसी मित्र की शादी थी। अब शादी का कार्यक्रम था, बारात चल रही थी, चढ़ती हुई बारात में सभी लोग नाच रहे थे। अब वहां महामना ज्योतिबा फूले भी उनके साथ थे। तभी कहीं से भनक पड़ गई कि ये जो ज्योतिबा यहाँ पर आया हुआ है ये तो शूद्र है। वैसे मैं बता दूं जो ज्योतिबा फूले साहब थे ये सैनी समाज से, सैनी समाज में माली समाज है, जो माली होते हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस भी शूद्रों का ही हिस्सा है। तो आप देखिए ब्राह्मणी षड्यंत्र कितना गंभीर था, मनुवादी विचारधारा कितनी मजबूत थी। उन्हें ये पता चल गया कि यह व्यक्ति शूद्र है तो जानते हो क्या हुआ, बारात रोक दी गई और जो दूल्हे का मित्र होने के बावजूद भी उस बारात में से, चलती हुई बारात में से महामना ज्योतिबा फूले को भगा दिया गया, वहां से निकाल दिया गया। बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। बड़े ही डबडबाई आंखों में आंसू लेकर के जब महामना ज्योतिबा फूले वहां से निकले तो वो मन ही मन विचार कर रहे थे कि मैं तो माली समाज से हूं, उन लोगों का क्या जो तेली है, तमोली है, खटीक है, धीमर है, चूड़े हैं, चमार है, अहीर है, लोहार है, उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। और वहीं से क्रांति की ज्वाला उनके मन में पैदा हो गई और वहीं से उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे कि मुझे समाज के उत्थान के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और रास्ता जो ढूंढा वो था शिक्षा का मार्ग। एक महत्वपूर्ण घटना बता करके मैं आगे प्रस्थान करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, महामना ज्योतिबा फूले घर आए, जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी का नाम था माता सावित्रीबाई फूले। तो वो बैठी हैं, चूल्हा जला हुआ है, चूल्हे पे तवा रखा हुआ है, तवे पे रोटी रखी हुई है और माता जी वहां बैठी हुई हैं, मातोश्री वहां बैठी हुई हैं, लेकिन वो किसी ख्यालों में खोई हुई हैं और तवे पे रखी हुई जो रोटी है वो जलने लगी है। उस तवे पे रखी रोटी की जलन की वजह से धुआं उठने लगा है, लेकिन मातोश्री का ध्यान उस तरफ नहीं था। जैसे ही महामना ज्योतिबा फूले घर में देखा कि वो रोटी बिल्कुल जल चुकी है लेकिन मातोश्री न जाने किन ख्यालों में खोई हुई है, उन्होंने आके कहा, सावित्री सावित्री तुम्हें दिख नहीं रहा कि रोटी जल गई है? तो उन्होंने कहा, साहब क्षमा चाहूंगी परंतु आज एक ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से मेरा मन आज मेरे बस में नहीं रहा। तो ज्योतिबा फूले साहब ने पूछा कि बताओ सावित्री क्या हुआ? तो मातोश्री ने बताया कि आज जब मैं बेटियों को पढ़ाने गई, अच्छा मैं थोड़ा यहाँ बता दूं, माता सावित्री बाई फूले जो है हमारे समाज की जो बहन बेटियाँ थीं उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। तो माता मातोश्री क्या करती थी, वो उन्हें गांव में जाकर के पढ़ाती थी।
ताकि हमारी जो बहन बेटियां हैं उन्हें शिक्षा का महत्व पता चल सके, ताकि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके, ताकि हमारी बहन बेटियां ऐसे नए जब बड़ी हो जाएंगी तो जब दो परिवारों को सुदृढ़ करेंगी तो ऐसे पुत्र पैदा कर सकें जो समाज का नेतृत्व कर सकें। तो इस वजह से मातोश्री उन्हें पढ़ाती थी। तो जब वो पढ़ाने जा रही थी तो समाज के लोगों ने विरोध किया और ये कहा कि सावित्री तू चली जा यहां से, तू यहां से चली जा, तू हमारी बहन बेटियों को बिगाड़ने आई है, तू क्या करेगी हमारी बहन बेटियों को पढ़ा करके, इन्हें गलत रास्ते पर ले जाने आई है। और इतना ही नहीं, गोबर उठा करके मातोश्री के मुंह पे फेंक के मारा और बड़ी ही बेइज्जती का घूंट पी करके मातोश्री वहां से निकल करके आई। जब ये सारी घटना महामाना ज्योतिबा फुले साहब को बताई तो महामाना ज्योतिबा फुले की आंखें जैसे आंसुओं से भर गई, आंसुओं से आंखें डबडबाने लगी और हृदय भर आया। और लेकिन भरे हुए हृदय से भी उन्होंने कहा कि सावित्री तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, ये जो समाज है इस समाज को भी जानकारी नहीं है, ये जो समाज है ये अंधेरे में घिरा हुआ समाज है, सावित्री इस समाज को शिक्षा के मार्ग पर केवल आप और मैं ही लेकर के जा सकते हैं, तो किसी भी सूरत में हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। उस दिन से मातोश्री ने जानते हो क्या करना शुरू किया, वो अपने साथ दो दो साड़ियां लेकर के जाने लगी। वो साड़ी जिसे पहन के जा रही है अगर गोबर लगने की वजह से गंदी हो जाएगी तो मातोश्री दूसरी साड़ी पहन लेगी। तो इस तरह से फूले दंपत्ति ने जो है संघर्ष करके शिक्षा का महत्व हमारे समाज को समझाया। और जानते हो जब महामाना ज्योतिबा फूले के माताजी और पिताजी को पता चला कि दोनों लोग मिलकर के शिक्षा के मार्ग पर आगे जा रहे हैं तो जानते हो उन्होंने क्या किया, फूले दंपत्ति को घर से निकाल दिया, घर से निकाल दे, ये कहकर के निकाल दे तुम समाज में दुष्प्रचार कर रहे हो, समाज की बहन बेटियों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। तो जानते हो फिर क्या हुआ, ये जो मुस्लिम समाज है ये हमारा विरोधी कभी भी नहीं रहा। इतिहास इस बात का गवाह है कि मुसलमानों ने हमेशा इन शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों का साथ दिया। और उस दिन भी जब फूले दंपत्ति को घर से बेघर होना पड़ा उस समय भी माता फातिमा शेख ने फूले दंपत्ति को अपने घर में जगह दी, फूले दंपत्ति को रहने के लिए सर छुपाने के लिए जगह दी, खाने के लिए रोटी दी और पहनने के लिए कपड़ा दिया। और अभी भी देखो उदाहरण है, जब संसद में 10% सवर्णों का बिल पास किया जा रहा था तो सारे दलित नेता, सारे शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के नेता मौन थे। अगर विरोध किसी ने किया तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे, तीन लोग थे, तीनों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए सवर्ण आरक्षण का विरोध किया। इसे कहते मित्रता जो दिल से होती है। मित्रों मैं निवेदन करूंगा ये बीजेपी वाले लोग हिंदू और मुसलमान कह करके दलितों को मुसलमानों से लड़वाएंगे, ना बिल्कुल मत लड़ना, क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। अगर किसी ने शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों पर अत्याचार किया है तो केवल और केवल मनुवादी सवर्ण लोग थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया। All right.